देश की आन बान और शान के लिए कृष्ण की नगरी मथुरा के गांव शेरनगर का लाल आज से 6 साल पहले पाकिस्तानी दहशतगर्दों के कायराना हरकतों के चलते 8 जनवरी 2013 को वीर सपूत हेमराज शहीद हो गया था। हेमराज के सिर को काट लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने उस वक्त कहा था कि हम सरकार में आए तो एक सर के बदले 10 पाकिस्तानी सैनिकों के सर वापस लाएंगे। वर्तमान सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी, तत्कालीन नेता प्रमुख जनरल वीके सिंह सहित तमाम लोग शहीद के परिवार को सहानुभूति सहित तमाम बड़े बड़े वादे करने उनके पैतृक गांव शेरनगर पहुंचे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शहीद की पत्नी धर्मवती को 25 लाख की सहायता राशि प्रदान की थी। अब सभी परिवारजनों का आरोप है कि उस वक्त भाजपा नेताओं ने वादे किए थे कि हम सरकार में आए तो शहीद को हर संभव मदद दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस सरकार के रक्षा राज्य मंत्री कुंवर भंवर जितेंद्र सिंह भी शहीद के परिवार से खोखले वादे कर गए थे। शहीद हेमराज के ताऊ हरिकिशन का आरोप है कि सब सरकार एक जैसी है, योगी हो मोदी को किसी को कोई मतलब नहीं, परिवार में 2 नौकरी देने की बात कही थी, शहीद के नाम से पार्क और स्मारक बनाने थे, स्मारक भी परिवार ने अपने निजी पैसे से बनवाई है, केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी है, फिर भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। देखिए मथुरा से संवाददाता जाहिद सईद की रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? जी चरण सिंह। चरण सिंह जी, आप शहीद हेमराज के कौन लगते हैं? भाई लगता हूँ। भाई लगता हूँ। अच्छा ये बताइए कि जिस समय हेमराज शहीद हुए जी, और सरकारों की तरफ से जो वादे किए गए जी, उन वादों में आप कितनी चीज़ें मानती हैं कि पूरी हुई? हमारी नज़र में तो कोई भी चीज़ें पूरी नहीं हुई, कि एक पट्टे को छोड़ करके। हाँ। एक पट्टा दिया है इन्होंने 2 एकड़ का। हाँ। उसके बजाय हमारे दिमाग में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सरकार ने पूरी की हो। अच्छा। पेट्रोल पम्प की भी कही थी उन्होंने, गैस एजेंसी भी कही थी, भर्ती के बारे में भी कहा था कि लड़के हेमराज के नाम से भर्ती निकलवाएंगे, उनके बारे में भी कुछ नहीं हुआ, एक भी बच्चा नहीं लगाया गया, और जो भी मांग थी वो कोई भी पूरी नहीं हुई है। जैसे जैसे ये पार्क की कही थी और ये पार्क स्मारक की, आप देख रहे हो ये शहीद स्मारक है जो हमने अपने पैसे से बनवाया है। अच्छा। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। हाँ। ना ही कोई जगह का योगदान है। हाँ। ये तो गांव समाज जगह है। हाँ। गांव की जगह है, गांव समाज जगह है, गांव के सहयोग से ये बनी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है जो सरकार ने किया है। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और अब वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो तीनों सरकारों में से किस सरकार ने क्या योगदान दे दिया? उस समय अखिलेश जी की सरकार थी, तो अखिलेश जी ने 20 लाख रुपए दिए अखिलेश जी ने, और 5 लाख रुपए तहसील से मिले थे। हाँ। बाकी कांग्रेस सरकार से ऐसा कुछ नहीं मिला, और ना ही बीजेपी सरकार से कोई योगदान हुआ। क्या उम्मीद है आपको? देखो उम्मीद तो ऐसा है सर, उस दिन से ही कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होने वाला है। क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह। सुंदर सिंह जी, आप हेमराज के पड़ोसी ही हैं। हाँ। तो आप बताइए कि जब 2013 में हेमराज जब शहीद हुए थे तो तमाम सारे परिवार से वादे किए गए सुविधाएं देने की, तो आपको क्या लगता है कितनी सुविधाएं परिवार को मिल गई? सुविधा ना मिली अभी तक कभी। हाँ। ना सड़क की कह के सड़क बनी ना। हाँ। डिग्री कॉलेज कह के वो बनी ना। हाँ। पार्क के पार्क बने नहीं। हाँ। पेट्रोल पंप की कह के वो बनी नहीं। हाँ। कचना बने हुए। अच्छा स्मारक जैसे बनी है, स्मारक किसने बनवाई है? वो अपनी जीवती बनवाई है, वो तो सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं। तमाम सारे जैसे जब लोग आए कह गए कि सिर के बदले सिर लाएंगे और एक के बदले 10 लाएंगे, कोई ना लेके आया अभी तक। अच्छा, तो सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? कोई उम्मीद ना, सब झूठ बोले बका जाए। अच्छा। रोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जी। जगन्नाथ जी, हेमराज जी कौन थे आपके? मेरे जीजा जी लगते थे। अच्छा बताइए कि जैसे तमाम सारी वादे किए गए सरकारों की तरफ से, उस समय कितने वादे हेमराज के परिवार के लिए पूरे किए गए? सरकारों ने तो एक भी वादा पूरा नहीं किया आज तक। जो भी वादा किए गए यहाँ पे बिल्कुल झूठे वादे हैं। ना तो कोई स्कूल बना है, ना कोई शहीद पार्क बना है, और ना कोई एजेंसी मिली है, ना कोई सुविधा नहीं दी गई सरकार ने। क्या कहना चाहते हैं सरकार? अब ये कहना चाहते हैं, अब मोदी जी की सरकार है, इसको भी भरोसा लगा रखा था, लेकिन ये भी 3.5 साल हमारे योगी जी की सरकार हो गई, इसमें भी कोई काम नहीं है पाया। जो ससा रहे और ढोले आए, कोई काम नहीं मिलता है। ठीक है। रोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह।
हेमराज जी आपके कौन थे? मेरा भतीजा था जी। अच्छा, तो जैसे 2013 में शहीद हुए हेमराज और परिवार ने जो तमाम सारी अपनी मांगे रखी सरकारों के सामने, क्या लगता है कि आपको कितनी मांगे आपकी पूरी हो गई? हमारी मांग कोई पूरी नहीं हुई भैया, हमारे तो ये बालक लग गए, ये पट्टो से मिल गए और कोई मांग पूरी नहीं हुई। जैसे आपने कई सारी मांगे रखी थी, आपको याद है कौन कौन सी? हाँ, मांग हमारी शहीद पार्क की बाउंड्री है जाएगी, शहीद पार्क शहीद की मूर्ति है हम अपने आप लगवाएंगे, न शहीद की मूर्ति लगवाई न पार्क की बाउंड्री करी, न कोई बालक लगो न कोई पट्टो मिलो, पट्टो बड़ी भाग दौड़ थे अपने पैसा थे ही हमने खाना पूरी करवाई वो पट्टे की। हाँ बस, जैसे आपकी गैस की एजेंसी की मांग, गैस एजेंसी की मांग करी या पेट्रोल पंप की मांग करी, ना गैस एजेंसी मिली ना पेट्रोल पंप मिली, स्कूल की मांग करी ना स्कूल मिलो और ना कोई सड़क की व्यवस्था ना कोई काव की व्यवस्था। जैसे तमाम सारे नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, सरकारें रहती हैं, हम तो इन सरकार और नेता जगह जी, हमने तो खूब काशनी कर ली, कोई सुनाई ना करे हमारी, तो हम तो इनते जगह जी। जैसे इस गांव के बच्चे चाहते हैं कि आर्मी में जाएं? बच्चे तो खूब चाहें, आर्मी में कोई लिए ना आए, वही घूस पच्चर थे अपने अपने लेने, बाकी सब हमारे काम के थे। ये को बालक नहीं लिवाज था, ये को बच्चा नहीं लिवाज था। रोल क्या नाम है आपका? राम निवास नाम है। राम निवास जी, आप हेमराज जी के कौन लगते हैं? हम उसके भाई लगते हैं। अच्छा, जैसे आप 2013 में हेमराज शहीद हो गए, तो तमाम सारी लोग आए, सरकार थी, वादे किए गए, कितनी चीज़ें पूरी हुई? एक भी चीज़ कोई पूरी नहीं हुई। अखिलेश यादव जी आए, बी के सिंह जनरल भी आ लिए यहाँ पर, और नितिन गडकरी जी आए, राजनाथ जी भी आए, वो बोल रहे थे स्कूल बनेगा और पेट्रोल पंप भी आएगी, कुछ भी कोई भी वादे पूरे वादे करके गए, कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हमारी सड़क भी टूटी पड़ी है सबरी, नहीं कोई स्कूल है ना कोई कुछ। जैसे अब आपको लगता है कि शहीद स्मारक है, पार्क है, या परिवार को नौकरी मिलने की बात थी, तो उनमें कितनी चीज़ें आपको लगता है पूरी हो गई? कोई भी चीज़ पूरी नहीं हुई। एक भी लड़का बोलेगे लड़का लगाएंगे आप भर्ती होगी अलग, हेमराज के नाम से आज साल भर्ती हो करेगी ना, कुछ भी नहीं हुआ अभी, मतलब कोई भी वादा पूरा ही नहीं हुआ, ना कोई पेट्रोल पंप की कह गए थे, नहीं कोई पेट्रोल पंप मिली। अब आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्या उम्मीद है? हमें जब उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी भाई हमें पूरा वादा किया था, हमें उम्मीद थी कि मोदी जी हमारा पूरा वो करेंगे, एक सिर के बल देवन मोदी जी बोले कि 10 सीट ला के देंगे, नहीं तो हमारे कोई भी नहीं लाया, कुछ कोई वादा पूरा नहीं किया। पेट्रोल पंप की बोल लेते नहीं, अभी तक पेट्रोल पंप मिली ना, स्कूल के बच्चे हमारे बच्चे हैं जो वैसे ही डोलते हैं, उनको भी कोई मतलब कोई शिक्षा नहीं है गांव में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। रोल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकिशन है। आप हेमराज जी के कौन है? हेमराज जी के मैं ताऊ जी लगूँ। अच्छा, आप बताइए कि 2013 में जब हेमराज शहीद हुए और आप लोगों ने जब अपनी मांगे रखी सरकार के सामने, और उनमें से कितनी मांगे आप बताएंगे कि पूरी हो गई? सन 2013 में हेमराज शहीद हुए हो, जब यहाँ बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े आए, हमने खूब मांग करी। पहली बात तो यही कि हेमराज के बदले में 10 सिर आने चाहिए, तो आज तक ये कोई सिर ना आया हेमराज के बदले। फिर दूसरी मांग हमारी यही कि हेमराज की जो मूर्ति लगाई जाएगी वो सरकार के द्वारा लगेगी, तो आज तक कोई हमने अपने पैसा से मूर्ति लगाई है, अपने पैसा से काम करे हो, हमने कोई मूर्ति को पैसा आज तक नहीं आया। तीसरी मांग यही कि हेमराज को जो पार्क बनवाया जाएगा और बाउंड्री करी जाएगी तो सरकार करेगी, तो आज तक कोई बाउंड्री ना आएगा, नहीं पर मुफा रहे आज तक कुछ कोई काम ना। जैसे नौकरी की बोल के गए यहाँ थे कि हम आपके परिवार की बड़ी सहायता करेंगे, नौकरी लगा देंगे, कम से कम 2 बालक ने तो सरकारी नौकरी तो लगा देंगे, हमारे बालक ये कौन है वो, एक छोरा वो लंबर आएगा और एक पाली में वो लग गए, नहीं कोई बालक नहीं लग पाएगा, तो कोई सहायता ही नहीं करी। जिस बच्चे की नौकरी लगी वो बता देंगे अपने खर्चे से और अपने पैसा आते, अपने भाग दौड़ते, अपने पैसा आते वाते लगाए, सरकार जो आते कोई पैसा वो ना लगाए। अच्छा, जैसे उस समय की सरकार ने कुछ नगद भी आपको सहायता? नगद को हमें कोई सहायता नहीं दी, 25 लाख रुपया अखिलेश ने अपनी निधि से दिए, और कोई सहायता पैसा के हमको कोई ना पैसा देना, 25 लाख रुपये अखिलेश ने दिए तो अपनी निधि से दिए,
और का उतना सरकार की उतना है। पेट्रोल पंप और गैस, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी यहाँ बोल के सुषमा स्वराज भी आई, राजनाथ वो आयो, वो बड़े बड़े हम आश्वासन दे के गए यहाँ थे, आपको पेट्रोल पंप भी दवाइए, गैस एजेंसी भी दवाइए, आपके पारा को बनवाएंगे, आपकी मूर्ति को पैसा हम देंगे। तो आज तक राजनाथ ने बल के फिर के पीछे देखो ना, सुषमा स्वराज को देखो कोई ना। अच्छा अच्छा, जैसे उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश थे, कांग्रेस की सरकार थी, और अब बीजेपी की सरकार, ना कोई बीजेपी की सरकार देख रही, ना कांग्रेस की नहीं देख रही, ना पर बीजेपी की ना देख रही। योगी जो योगी सर को मिलने की कोशिश करें, पर हमें योगी सर का कोई पहुँचने ना दे, ना योगी सुने, हम यहाँ तो खूब भेजें कागज द्वारा भेजें, पर कोई वहाँ सुनाई ना है। आज तक मथुरा में कई कई बार योगी आदित्यनाथ यहाँ मथुरा कई बार आ लिए, पर हमारे यहाँ तक पाम ना दे रहे। तो नरेंद्र मोदी से क्या कहना चाहिए? हम नरेंद्र मोदी से कहें, हमारे जो वायदा करें आपने, तो हमारे पूरे वायदा होने चाहिए, सब दस सिर तो हेमराजगंज बदले के सर दस सिर मिलाने चाहिए, हमारी मूर्ति को पारा को बनना चाहिए, और एक स्कूल को बोल के गए आप, बोल के गए राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह आप बोल गए, हमें यहाँ इंटर कॉलेज आपके बच्चन के लिए पूरे क्षेत्र के लिए खुलवाएंगे, और आज तक कोई स्कूल की कोई कार्रवाई नहीं। अगर गांव के विकास की बात करी जाए, या सड़कों के अच्छी बात करी जाए, या कोई चीज़ की बात करी जाए, तो क्या लगता है आपको क्या है? अब ऐसा जी, हम तो कोई बात करें, हम तो खूब करें, हम अपनी सड़क क्यों कहें, स्कूल क्यों कहें, पर कोई पहुँचावे सही हमें। जी प्रदीप जी, बताएं जिस तरीके से हेमराज 2013 में शहीद हुए थे, और जब वो शहीद हुए थे तो वहाँ कई बड़े बड़े नेता उस समय कांग्रेस के केंद्र में कांग्रेस थे, और यूपी में सपा की गवर्नमेंट थी, तो उनके परिवार वालों का कहना यह है कि सपा की जो गवर्नमेंट थी उसमें हमको 25 लाख रुपए अखिलेश जी ने दिए, और बाकी किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया, क्या कहेंगे इसमें? मेरे संज्ञान में है, हेमराज जब शहीद हुए थे और सिर कटा हुआ शरीर उनका जब गाँव आया था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री जी मौके पर आए, गांव में गए, उसके परिवार से मिले और हम लोग भी मौजूद थे, 25 लाख रुपए की सहायता दी, और उसके छोटे भाई को चकबंदी में नौकरी दी है, आपको बता दें पैसा ही नहीं दिया, चकबंदी विभाग में नौकरी उसके छोटे भाई को दी है, और उसकी माँ को जमीन का पट्टा भी समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जो लोग आज सरकार में हैं उस समय विरोध में विधवा विलाप किया करते थे, यही सुषमा स्वराज जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, राजनाथ सिंह जी, बीके सिंह साहब जो आर्मी के बड़े अफसर थे, रिटायर्ड थे, जो भाजपा में मंत्री भी हैं, ये सब लोग वहाँ आए, और इन लोगों ने, सुषमा स्वराज जी ने और राजनाथ सिंह जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री भी रह चुके हैं, इन लोगों ने इतना बड़ा नाटक किया शहीद परिवार के लिए, और इतना बड़ा तूफान बना दिया कि हम एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे। मैं ऐसे बेशर्म लोगों से कह देना चाहता हूं, उनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक शहीद, कितना बड़ा अपमान हमारे देश का हुआ कि हमारे देश के एक जवान, जिसकी वजह से रात को हम सुरक्षित रहते हैं, रात को सोते हैं उनकी उम्मीदों पर, और हम रात को आज सर्दी के मौसम में रजाई में सोते हैं, और वो बॉर्डर पर बर्फ में हमारी रक्षा करता है, उस शरीर की निर्भरता से सिर को काट के लिए हेमराज के पाकिस्तानी ले गए, और उन्हीं लोगों ने वहां आकर के, मैं मौके पर था, राजनाथ सिंह जी आए थे, सुषमा जी आई थी, बीके सिंह साहब आए थे, और कांग्रेस के उस समय तत्कालीन मंत्री जो है भंवर जितेंद्र सिंह जो थे, वो गृह मंत्री राज्य मंत्री थे अलवर वाले, वो भी आए थे, वो भी झूठी घोषणाएं करके तमाम पेट्रोल पंप गैस एजेंसी का वायदा इन लोगों ने किया, और 10 सिर लाने की बात कही, लेकिन 10 सिर तो बहुत दूर की बात है, इस सरकार से ज़्यादा शहीद आज तक हमारे नौजवान, आज हमारे देश का नौजवान जो किसान का बेटा, उस किसान का बेटा जिसका एक बेटा या खेती में माँ की सेवा करता है और एक सेवा बॉर्डर पर देश की सेवा करता है, ऐसी निकम्मी सरकार ने तमाम किसान के बेटों को, खासकर मथुरा में आए दिन डेड बॉडी आती है, बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि मैं भी एक फौजी का बेटा हूँ, मेरे फादर भी आर्मी में थे, बड़ा कष्ट होता है। इन लोग इतने निर्दयी हैं, इन लोगों को शर्म नहीं है, इनने झूठ बोल करके देश को गुमराह कर दिया, आज देश को कहाँ ला के खड़ा कर दिया है, सेना के नाम पे वोट मांगते हैं, पुलवामा अटैक हुआ, कोई पकड़ा गया आज तक? कहाँ गई वो आरडीएस वाली गाड़ी? कहाँ इतनी बड़े केस की आज तक कोई जाँच नहीं हुई? 46 जवान शहीद हो गए, इसीलिए ये लोग निकम्मे हैं, नाकारा हैं, और ये झूठे हैं, और देश को गर्त में ले जा रहे हैं। आज लोकतंत्र खतरे में है, कोई अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है, और विरोधी कोई रैली निकालना चाहते हैं तो 144 धारा 144 लगा दिए पूरे प्रदेश में। क्या एक धारा 144 लेटर पैड का रंग देख के लगती है? भारतीय जनता पार्टी रोज रैली कर रही है, और दो दिन पहले डीएम ने, दो दिन पहले जबरन कोई सर्दी नहीं थी, भाजपा की रैली में बस ले जाने के लिए, स्कूल की बसें ले जाने के लिए डीएम ने छुट्टी कर दी। ये लोग लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं, इनको संवैधानिक पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद